नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी मां राबड़ी देवी के साथ शुक्रवार को पटना पहुंचे। यहां उन्होंने जमकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने पटना में भाजपा के साथ मोर्चों की हो रही बैठक को निशाने पर लेते हुए कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, बिहार की जनता सब जानती है। बीजेपी के कार्यक्रम को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टी तैयारी करती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तैयारी जो नहीं करेगा उसके लिए मुश्किल होता है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर कहा कि कोई कितनी बार भी आ जाए बिहार को कुछ नहीं मिलने वाला है। वहीं भोला यादव पर सीबीआई छापेमारी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भाजपा के खिलाफ रहेगा उसके साथ ऐसे काम होते रहेंगे। बता दें कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में लालू यादव के करीबी भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। अभी भोला यादव सीबीआई रिमांड पर 2 अगस्त तक है। बीजेपी का बिहार में मिशन 200 तैयार है। नाम बीजेपी का मिशन 200 तैयार है। बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का, बड़ा रोड शो वाले सारे के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं बीजेपी, जेडीयू वाले सीटों पर छोड़ दिया है उन्होंने। अरे लोग का तैयारी है, लोग अपना सब पॉलिटिकल पार्टी तैयारी करता है, उसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना। और तैयारी जो नहीं करेगा उसके लिए तो मुश्किल होता ही। अमित शाह रहे तो क्या लगता है बिहार को कुछ बोलेंगे देंगे? बहुत सारी बातें पहले से रह गई हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, उम्मीद है आपको कुछ मिलेगा। कोई कितना बार आ चुका है, कुछ मिला है बिहार? एक सवाल है, भोला यादव को लेकर जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, सीबीआई की छापेमारी हुई, कैसे देखते हैं? भाजपा के खिलाफ रहेगा तो ये सब काम होता ही रहेगा। ठीक ठीक। अरे हिंदू मुस्लिम, ये तो हिंदू मुस्लिम का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।